दोस्तों मैं वापस आ गया एक और नई गेम प्ले वीडियो के साथ और आज मैं फिर से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट। सो लेट्स प्ले माइनक्राफ्ट। तो पिछली वीडियो में जो है मैंने अपना जो है विलेज ढूंढ लिया था जहाँ पर मैं अभी इस वक्त खड़ा हूँ और ये अपना टेम्पररी बेस, मतलब रहने के लिए कुछ तो जगह चाहिए, छत तो कुछ तो चाहिए, लेकिन भाई ये बहुत छोटा घर है, मुझे थोड़ा सा बड़ा और बढ़िया घर चाहिए। इसके अंदर जो है एक स्मोकर ला के रख दिया तो विलेजर भी आके इधर बैठ जाता है और कभी कभार तो विलेजर ही आके मेरे बेड पे कब्जा करके सो जाता है। इसलिए आज की वीडियो में जो है मैं अपना एक नया बेस बनाने वाला हूँ और ये देख लो ये आ गया। और उसके लिए सामान जो है जुटाना पड़ेगा, पहले जो है यहाँ से माइनिंग करने चलते हैं। थोड़ा सा आयरन अपना कम है, अपने पास ज़्यादा कोई आयरन है भी नहीं, तो मैं मेरे को बस 6-12 आयरन मिला था, 6-7-8, तो उससे बस मैंने एक वाटर बकेट बना लिए और एक ये छोटा सा बकेट नहीं, ये क्या बोलते, छोटा सा आयरन बचा है। मुझे जो है सबसे पहले एक आयरन की पिकेक्स बना लेनी चाहिए अगर कुछ खास चीज़ें मेरे को मिल गई, लैपिस वगैरह कुछ तो उसके लिए, और एक स्वॉर्ड। चलो मेरे को एक स्वॉर्ड तो मिली गई, बाकी बच्चा को चाहिए एक आयरन इंगट, इधर साइड में रख देते हैं। टॉर्च को अपने हाथ में रख लेंगे बाद में, और बाकी ये सैपलिंग वैपलिंग का भी कुछ करना पड़ेगा मेरे को कुछ। तो अभी मैं बस जा ही रहा था तो ये देख लो मेरे को 2 आयरन पहले से ही मिल गया। और ये क्या कॉपर भाई, हर जगह कॉपर, इतने कॉपर का मैं करूँगा क्या, आयरन दे दूँ ना इतना भर भर के, आयरन का कुछ कर लूँगा मैं, ये कॉपर का क्या करूँ मैं। चलो फिर भी कोई नहीं, इसका कुछ इस्तेमाल वगैरह कुछ कर लेंगे भाई। पिछली वीडियो में मस्त आइडिया दिया था, क्या पता मोजेंग वाले उस आइडिया पे कुछ अमल करे। पहले इधर का कोल वोल भी तोड़ लेता हूँ मैं अभी। अब मैंने कोल तो तोड़ लिया है, मैंने अपने टॉर्च हाथ में लेके जो है अभी यहाँ पर आने वाला हूँ। देखते हैं यहाँ पर नीचे क्या क्या ही चीज़ें मिलेंगी। अरे रे रे रे, ये क्या हो रहा है। चलो मैं आ गया। अरे भाई तेरी इधर तो पूरी ज़ॉम्बीज की पूरी फौज है भाई, भागो भागो। वो देखो क्रीपर है इधर, भागो यहाँ से, इधर तो पूरी इसकी फौज है। अबे वो देखो नीचे गिर के आ रहे, मेरे को भी गिरा दिया तेरी ऐसी की तैसी। इनको एक एक करके पहले ख़त्म करना पड़ेगा। अबे कितने सत्यानाश, एंडरमैन नहीं। अबे जॉम्बी विलेजर भी है, जॉम्बी भी है, क्या क्या मुसीबत है, मारो इनको। अबे तेरी ये छोटा बच्चा बहुत मारता है, छोटा है लेकिन हाथ 2.5 किलो का है उसका। अबे इनको मारूं कैसे, जाने दो, ऐसे भी उधर चले गए पानी के बहाव से, उधर चले गए। अबे तेरी बड़ी भाई भाई भाई, बाप रे भाई, इसकी आंखों में देख लिया तो मेरे को तोड़ डालेगा। एक तो इसकी आवाज़ इतनी डरावनी है, टेलीपोर्टेशन की मेरे को देख रहा है। ओ भाई मारो, देखा तू नहीं, अगर इसकी आंखों में देखा तो ये मेरे को इधर फोड़ डालेगा। नीचे झुकते हुए चलते हैं। इस एंडरमैन का मेरे को समझ में नहीं आता, इसकी आंखों में देखो तो उसको गुस्सा आ जाता है, और हमारे पीछे पीछे क्यों भागता है फिर, अगर तेरे को पसंद नहीं है तेरे को देखना तो हमारे पीछे क्यों आता है। ये अजीब बंदा है भाई, हमारे पीछे, हम प्लेयर्स के पीछे भागता रहता है ये एंडरमैन। अभी तेरे को पसंद नहीं है, हम तेरे को देखे तो हमारे पीछे ही क्यों आता है, हैं? अगर तेरे को ना देखे तो पीछे आएगा, तेरे को देख लिया तो मारने आएगा। चल क्या रहा है इतने साले, ये देखो अबे तेरी भाई, अभी मरते मार खाते खाते बचाओ, अबे हटना, निकलना इधर से। अबे अजीब बंदा है बे साला, पीछे पीछे घूम रहा है, ये देखो मेरे को देख रहा है साला। मैं क्या करूं, यहाँ से कैसे बच के भागूं, पहले इधर का जॉम्बी, चलो जॉम्बी डिस्पॉन हो गए, बच गया मैं फिलहाल जो है। यहाँ पर थोड़ा ये लगा देते हैं, यहाँ पर भी मेरे को थोड़ा सा आयरन मिल चुका है। चलो अब मैं थोड़ा नीचे देख रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा दिक्कत करेगा नहीं वो एंडरमैन। इधर मेरे को 3 आयरन मिल चुका है। अब यहाँ से जो है शांतिपूर्ण ये रास्ते से ऐसे निकलते हैं। एक तो दिक्कत आ रही है, देख लो लगता है टॉर्च को निकालना चाहिए था, लेकिन टॉर्च को मैंने निकाला ही नहीं, जाने दो, अंधेरा है तो कुछ तो चाहिए मेरे को। चल चल चल, अरे 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 मर गया, बच गया। चल क्या रहा है भाई, ये पानी रुक क्यों रहा है, टूट क्यों रहा है। अबे पानी टूट मत भाई, ये पानी का ब्लॉक टूट कैसे रहा है, ये देख लो मैं अलग जगह पर आ रहा हूँ, वो एंडरमैन अलग खाने के लिए बैठा है नीचे। अबे नहीं, अबे ऊपर चल, कैसा करेक्टर है भाई मेरा।
चलो। अबे तेरी, अबे नहीं 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 भाई भाई, नहीं 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 नहीं, ये क्या मजाक है बाबा। अरे बाबा मेरे को ऊपर जाने दो, मेरे को ऊपर जाने दो। चलो 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 चलो, बस पहुंचने वालों पहुंचने वालों पहुंचने वालों पहुंचने वालों। अरे नहीं मर गए। अबे भाई सबसे पहले दिन कर लेता हूँ, वरना बाहर के ज़ॉम्बीज खा जाएंगे मेरे को। और सबसे ज़रूरी काम, सामान नहीं है, सामान जाके लाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, जाके सबसे पहले सामान लेके आते हैं। लेकिन मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं गेम को पीसफुल कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता मेरा सामान लेके कोई भागे या फिर मेरे को ही मार दे उधर। फिर से साला नीचे गिर के मर गया, इतना सर्वाइव कर दिया दोनों ज़ॉम्बीज वगैरह को, और फिर भी गिर के मर गया मैं। क्या बकवास है भाई। चलो जाके जल्दी सबसे पहले सामान लेके आते हैं। चलो अब यहाँ से चलते हैं, लेकिन जाऊँगा तो जाऊँगा कैसे भाई, मैं डूब गया। हैं ये क्या नीला नीला लैपिस लजूली, लैपिस लजूली नाम बोलते हैं ना इसको। मैंने गेम को वापस से इजी मोड में कर दिया, मैंने इस कॉन्फिडेंस में कि भाई अब तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास मेरा आर्मर वार्मर है, आर्मर के नाम पे बस एक टोपा और एक क्या बोलते हैं वो जूता है भाई, लेदर का जूता और टोपा। सबसे पहले वो लैपिस लजूली भी निकाल लेते हैं। मेरे को जो है वहाँ से 26 आयरन रॉ आयरन मिल गए, इसको भी स्मेल्ट करेंगे और वो लैपिस भी लेके चलते हैं अभी। अब मैं यहाँ पर वापस आ गया था, मेरे को लगा इधर थोड़ा सा आयरन पड़ा होगा और लो पड़ा ही था। चलो मेरा 27-28 आयरन इंगट तो हो ही जाएगा, कोई नहीं, अपना सस्ता सा आयरन का आर्मर तो बन ही जाएगा अपना सस्ता आयरन मैन फालतू जो। खैर चलते वापस से अपने छोटे से घर की तरफ। तो अभी मैंने अपना आयरन निकाल लिया है और आयरन पूरा स्मेल्ट हो चुका है। अब जो है अपना पूरा आयरन का आर्मर बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है अपने आयरन की टोपी, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, हेलमेट, आयरन का हेलमेट। सबसे पहले दोनों जूता और सब कुछ निकाल लेते हैं, हेलमेट हो गया। अब बारी चेस्ट प्लेट की, एक नीचे रखा, ये तू भी नीचे। चलो चेस्ट प्लेट हो गया। अब बारी पैंट की, ये पैंट के लिए इसको इधर, इसको साइड में भाई, हाँ, और एक और नीचे, ये पैंट हो गई। अब बारी आती है जूतों की, लास्ट में शूज़। अब ये जो है साइड में रखा और ये इसको नीचे, लो हो गए अपने शूज़। चलो अपना पूरा का पूरा आयरन का आर्मर बन के रेडी हो चुका है, अपना पहला फुल आर्मर। मैंने ये नहीं बनाई, क्या बोलते हो, शील्ड, क्योंकि शील्ड ज़्यादा मैं यूज़ करने नहीं वाला, मेरे को भी मालूम है, क्योंकि मैं क्या बोलते हैं केव्स के अंदर मशाल लेके घूमूंगा, बाकी कुछ नहीं। खैर अब आगे बढ़ते हैं बेस का सामान की तरफ, बेस का डिज़ाइन वगैरह के बारे में ज़रा ढूंढा ढांडी करते हैं क्या कैसा करना है। अभी जो है अपना पूरा आयरन का आर्मर तो रेडी हो चुका है और अपना बेस के लिए मैंने जगह ढूंढी है पीछे वाली पहाड़ी पे, जो है अपना बेस बनाने वाला हूँ। लेकिन भाई मेरे को तो घर का डिज़ाइन ही नहीं मालूम, मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ भाई, अपने एक्स वैक्स तो ले ली, लेकिन मैं क्या डिज़ाइन बनाऊँ, मेरे को तो बेस बनाना ही नहीं आता। स्टार्टर बेस ढूंढना पड़ेगा यूट्यूब पे, मैं जाता हूँ यूट्यूब पे, थोड़ा सर्च वर्च करके आता हूँ। और चलो मैंने सर्च कर लिया। अब जो है मैंने सोचा है कि मैं वुड का बेस बनाने वाला हूँ, और ये बेस का डिज़ाइन जो है मेरा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मैंने यूट्यूब से लिया हुआ है। और इस बेस का डिज़ाइन का क्रेडिट जाता है क्राफ्टी बिल्डिट को। ये छोटा सा घर क्या ही करूँगा मैं, और ये देखो ये विलेजर, मुझे जो है थोड़ा सा और विलेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ तू हाँ हाँ हूँ कर ले, तेरा हाँ हाँ हूँ हो गया। खैर अब जो है यहाँ पर जंगल की तरफ चलते हैं, मुझे जो चाहिए स्प्रूस के लॉग, जो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ से आगे बढ़ के देखते हैं यहाँ पर आसपास कहीं पर स्प्रूस लॉग मिलते हैं कि नहीं। मैं साला स्प्रूस का एक झाड़ ढूंढने आया था इधर, मस्त मेरे को पूरा का पूरा जंगल ही मिल गया स्प्रूस लॉग्स का। चलो इतने ऊंचे पेड़ है, बहुत अच्छे बात है, मेरे को बहुत सारे स्प्रूस लॉग मिल जाएंगे। अपने को जो स्प्रूस लॉग्स चाहिए,
और उसके जो है डार्क स्टेयर्स स्लैब्स वगैरह सारा सामान चाहिए। तो सारा सामान जो है क्राफ्ट करने के बाद उधर लगा ढूंढने के बाद सारा सामान का जुगाड़ करने के बाद मैं आपसे मिलूँगा। तो मैंने जो है चेस्ट के अंदर वो सारा सामान रख दिया है और यहाँ पर ये जो है अपना स्टार्टर बेस के लिए जो मैंने यहाँ पर सामान रखा है और इसका डिज़ाइन जो है क्राफ्टी बिल्डिट ने डिज़ाइन करा है। तो उन्हीं की वीडियो देख के जो है मैंने ये पूरा सामान जुटा लिया। कुछ छोटा मोटा कम पड़ जाएगा तो बाद में बढ़ा लेंगे सामान। सबसे पहले जो है अपना पिलर्स वगैरह खड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। जो छोटे मोटे मार्किंग्स कह सकते हो उसको मार्किंग मैंने पूरा जो है वुड छीला है। छीलने के लिए भाई हाथ मेरे हाथ और कुल्हाड़ियाँ दोनों छिल गई। फिलहाल तीन तीन के गैप में जो है इसको इधर रख देते हैं और ये एक और दूसरा जो है ऐसे ही करते करते पूरा बेस में फास्ट फॉरवर्ड बनाने वाले हूँ वरना वीडियो हद से ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मजा नहीं आ रहा है। साइक thank you.
आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने माइनक्राफ्ट दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और इस वर्ल्ड में हम और भी धमाल मचाने वाले हैं, तो वो धमाल देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड का बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी मज़ेदार धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।